आज हमने यहाँ भारत में पाकिस्तानी जो दूतावास जो राजदूत है उनके घर के बाहर शांतिपूर्वक हमने संदेश दिया है कि भारत के जवानों की हमला करके हत्या करना बंद करो और जो भारत पे आप जो अटैक कर रहे हो वो तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो आगे भारत की लोग जनता जाग जाएगी तो और ज्यादा सड़कों पे लोग उतरेंगे। आज जो हमने यहाँ धरना दिया है उसका मुख्य उद्देश्य है जो अभी हाल ही में 5 भारतीय जवानों की निर्मल हत्या कर दी गई है सैनिक पर बॉर्डर पर, तो उसके विरोध में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और हमारी सरकार से मांग है कि अब हाथ पे हाथ रखने वाला टाइम नहीं है। पहले भी जनवरी में उन्होंने भारतीय जवानों के सर काटकर सर ले गए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अब हमारी भारत सरकार से मांग है कि ये भारत में जो पाकिस्तान का राजदूत है इनको तुरंत वापस भेज देना चाहिए और तत्काल संदेश करा देना चाहिए कि आप होश में आ जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे जवान संदेश करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार जनता के साथ और देश के साथ धोखा कर रही है, इसको समझ सिखाएगी जनता, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रति कोई पार्टी हो उसको वफादार रहना चाहिए, अगर वहाँ से अटैक हो रहा है तो जवाब देना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी चुप क्यों रहते हैं हमेशा, जवाब दें, जवाब की घड़ी आ गई है। आप कब क्या मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए? पाकिस्तान 100% हमला होना चाहिए, पाकिस्तान इमीडिएट हमला होना चाहिए, तत्काल कड़ा संकेत देना चाहिए। अगर हरकतों से बाज आ जाए और आतंकवादियों को पालना बंद करे, जैसे तोयबा लश्करे तोयबा सब वहीं से हैं जो सैनिकों पर हमला किया है, तो आर्मी के जवान से पाकिस्तान ISI के लोग से और साथ में आतंकवादी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमला होना चाहिए, कड़ा संकेत देना चाहिए, जबरदस्त हमला होना चाहिए। हमारी बात